अपने साथ हैं बाबा रामदेव, इतनी उपाधियां, विश्व योग गुरु, पतंजलि को इतने ऊपर ले गए। हम सीधे सवालों पर आते हैं। बाबा रामदेव, आपने बताया कि पिछले साल का पतंजलि का टर्नओवर जो है 10,000 करोड़ से भी ज्यादा रहा, इतनी सक्सेस के पीछे क्या है? तीन ही कारण है, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी, लो प्राइस और प्रॉफिट से 100% चैरिटी, प्रॉस्पेरिटी फॉर चैरिटी, समृद्धि सेवा के लिए, अर्थ अनर्थ करने के लिए और स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए। आप चाहते हैं कि पूरी तरह से देश जो है पतंजलि की चीजें वो करे, जितनी भी विदेशी कंपनियां पूरी तरह से खत्म हो जाए। देशी कंपनियां बहुत है, लेकिन उसमें बस सब क्वालिटी का ध्यान रखें, प्राइस का भी ध्यान रखें, अपने ही तो देश के लोग हैं। लूट तो मतलब कॉम्पिटिशन आपस में ही हो, विदेशी कंपनियां ना आए। हाँ, कंपटीशन हो और हेल्दी कंपटीशन हो। और हम तो कहते हैं हमारा तो कंपटीशन ही किसी से नहीं है, हम तो आत्मस्पर्धा के रास्ते पर चलने वाले हैं। और जो भी बुरा कर रहे हैं देश के लिए और दुनिया के लिए, भगवान जल्दी उनका मोक्ष करे। किसकी तरफ आपका इशारा? अब ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के आज तक जो विदेशी कंपनियां, इनकी हिस्ट्री आप देखिए क्या किया इन्होंने। पहले पॉलिटिकल कॉलोनाइजेशन होता था, अब इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन का युग है। हमारा एक ही संकल्प है, जो भी हम करें वो देश के लिए करें, अपने लिए कुछ नहीं, और देश के लिए कुछ भी करना पड़ा तो उससे पीछे नहीं हटना। जिस तरह से पाकिस्तान में पिछले दिनों घटना हुई, हमारे सैनिकों के साथ, उनकी लाश के साथ जिस तरह से बर्बरतापूर्वक व्यवहार, आपने साफ तौर पर बोला कि अब माकूल जवाब देने की जरूरत है। क्या दूसरे सर्जिकल स्ट्राइक की आप बात कर रहे हैं? कब, किस समय, कितना बड़ा हमला, कहां अटैक करना है, मोदी जी से बेहतर कोई नहीं जानता है। मुझे लगता है वो पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, देश का सर नीचा नहीं होने देंगे। पर एक सर्जिकल स्ट्राइक के बावजूद ये सब घटनाएं लगातार हो रही हैं, आपको खुद क्या लगता है कि जरूरत है फिर से उसी तरह के सर्जिकल स्ट्राइक? देखिए, पाकिस्तान एक बहुत ही धूर्त देश है, एक नालायक देश की तरह व्यवहार करता है, नापाक देश की तरह व्यवहार करता है। तो ऐसे में पाकिस्तान किसी एक बात से मान जाएगा नहीं, इनके लिए तो एक मल्टीपल स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। इसके बाद क्या, छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह कहीं कुछ कमी रह गई है या और ज्यादा अटैकिंग होकर आगे बढ़ने की जरूरत है? इसके लिए मुझे सबसे अच्छा लगता है इजराइल की नीति, कि देश के एक भी नागरिक के ऊपर कोई अटैक करता है तो वो हमारे पूरे इजराइल पर अटैक है और हम उसको सहन नहीं करेंगे। यही व्यवहार, यही बर्ताव, ऐसे ही एक्शन हमें हिंदुस्तान में अपनाना पड़ेगा। आपने बुधवार को प्रधानमंत्री जी को जो है राष्ट्र ऋषि की उपाधि दी, ऐसा मन में क्यों विचार है? क्योंकि विपक्ष उसको मुद्दा बना रहा है। प्रधानमंत्री को यदि कोई सम्मान देता है तो उनको पेट में दर्द क्यों होता है? भाई, आप भी कोई सम्मान वाला काम उनका कर कहना है कि जब देश के प्रधानमंत्री है तो राष्ट्र ऋषि, क्योंकि ऋषि जो है वो प्रधानमंत्री नहीं होता, ऋषि तो जंगलों में रहते हैं। हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने ही देश को बनाया है, किसी नेता ने देश को नहीं बनाया। ऋषियों ने देश को बनाया, ऋषियों ने देश को आगे बढ़ाया और आज भी उसी ऋषि परंपरा का व्यक्ति इस देश को आगे बढ़ा सकता है। वो कर रहे हैं मोदी जी, आपको लगता है पूरे तौर पे? हर तरह से, सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से। बाबा रामदेव जी, आपने जो है ब्लैक मनी के खिलाफ जबरदस्त मुहिम छेड़ रखी थी, ये सरकार आई, नोटबंदी हुई, आपको लगता है कि उसका कुछ असर दिख रहा है? जो आपकी मांगे थी या जो सब चीजें ब्लैक मनी पे कहीं ना कहीं रोकथाम लगी है? अभी 125 करोड़ का देश है, परिणाम आने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। किसी भी चीज को जब एक बड़े रूप में खड़ा करते हैं तो थोड़ा तो धीरज रखना पड़ता है। पर नोटबंदी एक सही कदम था आपको लगता है? नोटबंदी से लेकर के मोदी जी ने जितने भी कार्यक्रम देश में शुरू किए हैं वो देश बनाने वाले कार्यक्रम है, नेशन बिल्डिंग के लिए कार्यक्रम है, वोट बनाने के लिए नहीं। अब अगर आपने जैसे कल आयुर्वेद सेंटर की भी शुरुआत की, प्रधानमंत्री ने देखा, उसमें तमाम तरह की चीजें बताई जा रही हैं, जैसे कहा जा रहा है कि आप कुछ ऐसा विकसित कर रहे हैं, हमारे देश के वैज्ञानिक लगे हुए हैं, कि व्यक्ति जो है जीवन भर युवा बना रहेगा, क्या ऐसा संभव है? योग और आयुर्वेद से एक प्राकृतिक जीवन पद्धति से उसको दूर किया जा सकता है, उस दिशा में हमने प्रैक्टिस भी की है और उसके अब स्टैंडर्डाइजेशन का काम, उसके ऊपर इन्वेंशन का काम और आयुर्वेद की जड़ी बूटियों को दवा को का दर्जा दिलाने का काम इस पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के माध्यम से होगा। तो क्या ये माना जाए कि हाँ, इस तरह की दवा विकसित हो जाएगी कि लोग युवा बने रहेंगे? युवा बनाने वाले भी दवा विकसित करेंगे, क्योंकि लोगों का बहुत ज्यादा उस पर जो है तवज्जो है। कल से
तमाम जो है लोग इस बारे में बड़ी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। देखो, वैसे तो मैं आपको दो तीन चीजें बताता हूँ। जैसे गिलोय है, ये एंटी एजिंग है, ये एंटी बैक्टीरियल एंटी वायरस भी है। आंवला है, एलोवेरा है, इनको रसायन का है, इनसे आयुष्य बढ़ता है और आदमी 100 साल तक तो बुढ़ा होगा नहीं, और 100 साल बाद हो जाए तो फिर कोई बात नहीं। वो रास्ता एलोपैथी से निकल के आ ही नहीं सकता। केवल रास्ता है योग में, आयुर्वेद में। एलोपैथी की दवाई भी ज्यादातर विदेशी कंपनियों के हाथ में है। हिंदुस्तान में दुर्भाग्य से रिसर्च हुआ ही नहीं, और वो खास करके मॉडर्न पैरामीटर्स की अकॉर्डिंग। यो तो युगों युगों से हमारी बहुत उन्नत ज्ञान परंपरा रही है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वेद, सब वेदों का ज्ञान हमने दिया और सारी दुनिया को मार्गदर्शन दिया। लेकिन आज के युग में 21वीं सदी में विज्ञान के आधार पर, आधुनिकता के आधार पर, साइंस टेक्नोलॉजी के आधार पर हमें अपनी चीजों को साबित करना पड़ेगा। अब ये बताइए बाबा, खाने के तो इतने प्रोडक्ट हमने देखे हैं, आपके टर्नओवर भी इतना जबरदस्त था, और क्या क्या चीज है? क्योंकि हमने कहीं देखा कि रेस्टोरेंट भी आपने शुरू कर दिया, क्या रेस्टोरेंट बिजनेस में भी आपको आना है? रेस्टोरेंट में भी KFC से लेकर के मैकडॉनल्ड्स से लेकर के विदेशियों से लेकर के और देसी में भी क्या क्या लोग खाते हैं, क्या क्या बनाते हैं। एक ही तेल को 100 बार पकाते हैं तो वो जहर बन जाता है। तो लोग चाहते हैं उनको हाइजीन के साथ, क्वालिटी के साथ नेचुरल प्रोडक्ट्स मिले, ज्यादातर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मिले। दो ही चीजें जीवन में, तन चलता है आहार से, मन चलता है विचार से। तन दूषित हो रहा आहार से और मन दूषित हो रहा है विचार से। इसके लिए मन के लिए योग और तन के लिए आयुर्वेद, इस दोनों को हम साथ में लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो आप स्वदेशी की बात करते हैं तो तमाम युवा वर्ग और यहाँ तक कि कई लोग जीन्स पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं, तो क्या पतंजलि जीन्स टी शर्ट भी बनाएगा? मैं कहता हूँ देखो, डेनिम जो जीन्स के लिए कपड़ा यूज होता है वो हिंदुस्तान नहीं, विदेशों में हम भेजते हैं। कपड़ा हमारा, कपड़ा पैदा करने वाले हमारे लोग, पहनने वाले हमारे लोग। अरे ठीक है, आपको पजामा नहीं पहनना, जीन्स पहनने का शौक है तो अपना ही सब कुछ है ना, तो फिर विदेशी को कंपनी को ब्रांड के नाम पर क्यों लुटाते हो देश का धन, देश का वैभव? अरे जीन्स भी, पहली बात तो कुर्ता पजामा धोती और मेरी तरह से लुंगी पहनो, खुली हवा लगेगी। अब जून के महीने में जीन्स पहनेंगे तो थोड़ा अंदर से बदबू आएगी, हवा नहीं लगेगी। लेकिन यदि हम सब लोग ये नहीं पहन सकते ना बाबा, इसलिए मैं कह रहा हूँ, यदि जीन्स पहननी है, पैंट पहननी है, कच्छा पहनना है, बनियान पहननी है, धोती पहननी है, लंगोटी पहननी है, कोट पहनना है, जो भी पहना है हिंदुस्तानी पहनो। तो सब कुछ पतंजलि अब देगा आपको? पतंजलि उस दिशा में प्रयास कर रहा है, जल्दी उपलब्ध कराएगा। कब तक अगर हमें खबर देनी हो तो हम कब तक कहें कि तमाम रेस्टोरेंट भी हर जगह खुल जाएंगे, ढाबे भी पतंजलि खुल जाएंगे और कपड़े भी अब आप पतंजलि के पहनेंगे? ढाबे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, इतना बड़ा हिंदुस्तान है, लाखों लाखों खोलने पड़ेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि देखो, यदि आप कोई ब्रांड के साथ कोई काम करते हैं तो आपको तीन चार चीजें मेंटेन करनी पड़ती हैं। एक हाइजीन, दूसरा उसमें हाइजीन के साथ क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ती है, फिर लोगों को ट्रेनिंग उसी तरह की देनी पड़ती है, फिर आपको जहां जहां पर वो रेस्टोरेंट है वहां पर आपको अपने सभी प्रोडक्ट्स की सप्लाई भी करनी पड़ती है और कच्चा माल की भी सप्लाई, शाक सब्जियां भी वहां पर ऑर्गेनिक मिले, जहरीली ना हो, क्योंकि भरोसा बहुत बड़ी चीज होती है। पर लोगों का भरोसा तो आपकी फोटो देख के ही लोगों का भरोसा है, इसलिए मेरे ऊपर जो भरोसा है मैं उसको किसी कीमत पर तोड़ना नहीं देना चाहते। इसलिए क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज करके कुछ भी नहीं करना। हो सकता है सैकड़ों, हो सकता है हजारों भी खुल जाए, जैसे कहते ना आपके मुंह में घी शक्कर। हिंदुस्तान में जो है, इवन हम देवी देवताओं के जो प्रतिरूप है वो भी मेड इन चाइना होते हैं, जो झालर लगाते हैं दिवाली में वो भी मेड इन चाइना होते हैं, तो उस दिशा में क्या कुछ नहीं कर रहे हैं हम? अकेला चाइना देश के लाखों करोड़ के बाजार पर कब्जा करके बैठा है। कुल मिलाकर के देश के 50 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था पर विदेशी कंपनियों का कब्जा, उसमें सबसे आगे अब चाइना है। और चाइना जो हमसे यहां से पैसा कमाता है, प्रकाश जी, जो यहां से चाइना पैसा कमाता है वो पाकिस्तान के आतंकवादियों को स्पॉन्सर करता है और वहां से अपने देश की सीमाओं पर हमारे जवानों के शीश काटे जाते हैं। तो आखिर ये खून का खेल कब तक चलेगा? इतना जरूर कहूंगा, चीन के वस्तुओं का बहिष्कार करें, सारी विदेशी कंपनियों का बहिष्कार करें, जो अपने देश का मिले उसको पहले लो। आपकी पहुंच इतनी, प्रधानमंत्री तक आपकी बात सुनते हैं, आपको नहीं लगता कि आपको ये बात भी हर मंच से उठाना चाहिए कि भाई विदेशी चीजों का बहिष्कार और खासकर चीन का बहिष्कार सबसे ज्यादा जरूरी है? देखिए, चीन का बहिष्कार इसलिए जरूरी है क्योंकि चीन जो है वो हमारी देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए सबसे बड़ा खतरा है।
चीन स्वभाव से हमारा मित्र देश नहीं है, तो चीन के साथ में हमें बहुत सजग होकर के बर्ताव करना पड़ेगा। सरकार के लोग सुनते भी हैं, देखते भी हैं, और इस सरकार में देश के लिए जज्बा, ये देशभक्तों की सरकार है, ये देश को झुकने नहीं देंगे, देश को मिटने नहीं देंगे। अब बाबा और क्या, विश्व योग गुरु योगा, आपने विश्व योगा डे मनवाना, आपके वजह से लोगों ने फिर से योगा डे शुरू हो गया पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, पतंजलि इतना बड़ा ग्रुप बन गया, अब इसके बाद बाबा की और क्या इच्छाएं हैं? एक ही बात मैं तो जानता हूं, एग्रीकल्चर से लेकर के इंडस्ट्री से लेकर के हेल्थ एजुकेशन और एनवायरमेंट, देश के हर क्षेत्र में जो मेरे पास सामर्थ्य है, समझ है, साधन है, मैं इस देश की बेहतरी के लिए जितना कर सकता हूं एक एक पल कर रहा हूं, करूंगा। कभी राजनीति में आएंगे? कभी नहीं। जो राजनीति में है उन लोगों को उन्नत बनाना, उन लोगों को सहयोग करना जो देश की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। मैंने कल मोदी साहब से कहा कि मोदी साहब राष्ट्र की सेवा के लिए जो भी आप काम कर रहे हैं उस राष्ट्र यज्ञ में एक आहुति स्वामी रामदेव आचार्य भाषण और पतंजलि की भी होगी। उत्तराधिकारी कौन होगा आपके बाद, क्या होगा? हमने कहा पतंजलि का उत्तराधिकारी कोई व्यापारी नहीं होगा, पतंजलि का उत्तराधिकारी कोई संसारी नहीं होगा, सन्यासी होगा। तो तय कौन करेगा, आप ही करेंगे कि कौन होगा? मिलजुल के तय करेंगे, आचार्य जी हैं, मैं हूं, गुरु जी हैं, और जो योग्य होगा, तो सामर्थ्य तो सबका अलग अलग होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, इंडियन न्यूज़ से बात करने के लिए। नमस्ते। तो ये थे बाबा रामदेव, जिनका साफ तौर पे कहना था कि भारत को इसराइल की भूमिका में आना पड़ेगा, यानी उन्होंने पाकिस्तान को भी चेतावनी दे दी, और साथ ही पतंजलि के बारे में उन्होंने कहा कि भविष्य में अभी तमाम रेस्टोरों और तमाम कपड़े के क्षेत्र में भी पतंजलि को आगे बढ़ना है। प्रकाश पांडे, इंडिया न्यूज, दिल्ली।